हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सैपीज़ किचन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, त्यौहार का टाइम चालू हो गया है और मैंने यहाँ पे बर्फ़ी बनाई है। आप देख सकते हैं, बहुत ही हरी और सुंदर सी बर्फ़ी दिख रही है। ये बर्फ़ी हमने लौकी की बनाई है, जो लौकी मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, और ये बिना मावे की बर्फ़ी है, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आइए देख लेते हैं कि लौकी की बर्फ़ी किस तरीके से तैयार होती है। लौकी की बर्फ़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक मेजरमेंट सेट करना होगा। यहाँ मैंने इस तरीके का एक मेजरमेंट लिया, ये एक कप का मेजरमेंट है। इसी कप का मेजरमेंट का मैंने शुगर ले लिया, यानी कि शक्कर, ये एक कप है। ये एक कप मिल्क पाउडर है, ये मेरे पास 4 टेबल स्पून डेजिकेटेड कोकोनट है, यानी कि नारियल का बुरादा सूखा। ये इसी मेजरमेंट का, इसी कप का एक कप दूध है। ये मेरे पास देसी घी है, जो हम बर्फ़ी बनाते समय डालते जाएंगे। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स है, जिसमें खास करके मैंने अखरोट लिया है और पिस्ता लिया है, जो हमारे बर्फ़ी को बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। और यहाँ पे है मेरे पास इलायची के दाने, जिसे मैंने कूट लिया था। और यहाँ पे मेरे पास एडिबल ग्रीन कलर है, ये टोटली आप स्किप कर सकते हैं अगर आप अपने खाने में आर्टिफिशियल कलर नहीं प्रीफर करते। तो देखते हैं हम लौकी की बर्फ़ी कैसे बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एक बिल्कुल टेंडर सी लौकी ले ली है, यानी बिल्कुल सॉफ्ट सी होनी चाहिए। पकी हुई लौकी या बड़ी बड़ी लौकी ना ले, जितनी सॉफ्ट होगी उतनी अच्छी है। इसे हम छील के इसके हम 2 टुकड़े कर लेंगे, और इस 2 टुकड़े के बीच में भी हम एक चीरा लगा लेंगे इस तरीके से। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो बीज है हमें इसे निकालना है। तो आप बिल्कुल हल्के हाथ से जो बीज का पोर्शन है, कई बार लौकी में बिल्कुल बीज आते ही नहीं है, वो सबसे अच्छी लौकी होती है बर्फ़ी बनाने के लिए। तो इस तरीके के हम सारा पार्ट इसका निकाल लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें सारा बीज है। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने इसके सारे बीज निकाल लिए। जैसे कि मैंने बताया, अगर बीज बिल्कुल टेंडर है, ना के बराबर है, तो आप उसे पूरा का पूरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस पीसीस को ग्रेट कर लेंगे। अब हम हमारी लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। आप ये वाला पार्ट ना लीजिए, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। आप इस तरीके का जो स्क्रेपर है उसे इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए, हमने हमारी लौकी को ग्रेट कर लिया है, और अब इसके बाद थोड़ा प्रोसेस जल्दी करना होगा, क्योंकि ये लौकी जल्दी काली पड़ जाती है। तो इसमें भी काफ़ी पानी है, तो इस तरीके से आप सारा एक्सेस पानी जो है इसे आप निचोड़ लीजिए, और बिल्कुल ड्राई करके इसे आप एक सेपरेट बर्तन में निकाल लीजिए। ये देखिए, हमने हमारी लौकी को ड्राई कर लिया एकदम निचोड़ के। और जैसे कि मेजरमेंट में आप देख सकते हैं, मैंने 1 कप भर लिया है बिल्कुल ड्राई वाली दूधी को, और ये 2nd कप है। तो ये मैं आपको इसके लिए दिखा रही हूँ ताकि आपका मेजरमेंट आपको इजीली हो जाए। अगर आप इस तरीके का कप ले रहे हैं, तो ये हमें 2 कप ग्रेटेड दूधी लेनी है, उसका मॉइस्चर निकाल के। अब यहाँ पे मैंने एक नॉनस्टिक कढ़ाई गरम कर ली है, और इसमें लगभग मैं 2 टेबल स्पून घी डाल दूँगी। और साथ ही साथ हम हमारी ये जो दूधी है इसे डाल देंगे, और इसे 5 मिनट आप ऐसे ही सॉटे कर लीजिए थोड़ा सा हाई फ्लेम में। ये देखिए, हमारी जो दूधी है इसे हमें 5 मिनट थोड़ा मीडियम हाई फ्लेम पे पका लिया है। अब आफ्टर 5 मिनट्स हम इसे थोड़ा सा ढक के पका लेंगे, ताकि इसका थोड़ा पानी बचा हुआ है वो रिलीज हो जाए। और इसे हमने अभी स्लो फ्लेम पे पकाना है 5 से 10 मिनट। ये देखिए, हम चेक कर लेंगे हमारी दूधी को। आप देख सकते हैं बिल्कुल नरम पड़ गई है, क्योंकि हमने इसे स्टीम किया है ढक्कन डाल के। और जैसे ही हमारी ये दूधी थोड़ी सी नरम हो जाएगी, इसे आप ज़रा 2 मिनट अच्छे से मिला लीजिए घी में। अब हम इसमें डाल देंगे दूध, ये जो मैंने 1 कप दूध लिया था। ये जो 1 कप शक्कर है, आप चाहिए तो पहले आधी भी डाल सकते हैं, और आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको शक्कर बहुत ज़्यादा लग रही है, तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये सब कुछ हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम दूध के साथ इस लौकी को स्लो आंच पे होने देंगे, और बीच बीच में आप चाहिए तो 2-2, 3-3 मिनट के बाद आप चला सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो दूध था वो सारा सूख गया है,
और इसे हमने थोड़ा 10 मिनट फास्ट आंच पे रखा था। आपको इसे तब तक पकाना है, दूध डालने के बाद, जब तक इसका दूध सूख नहीं जाए अच्छे तरीके से। अब हम इसमें हमारा ये जो मिल्क पाउडर है इसे डाल देंगे, 1 कप जो हमने लिया था। ये जो हमारा नारियल का बुरादा था इसे डाल देंगे, डेसिकेटेड कोकोनट। ये जो ड्राई फ्रूट्स थे जिसे हमने बारीक काट लिया था इसे हम आधा डाल देंगे और आधा ऊपर से हम गार्निशिंग के लिए रख देंगे। और इसमें मैं अभी ये आधा टेबल स्पून घी और डाल दूंगी। सारा कुछ आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप देखेंगे मिल्क पाउडर डालने के बाद जो हमारी बर्फ़ी का मटेरियल है वो थोड़ा सा और पानी हो जाएगा, क्योंकि मिल्क पाउडर डालने के बाद उसका वाटर रिलीज़ होता है। तो हमें ये सारा कुछ अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस हमें हमारी बर्फ़ी को अच्छे से इसी तरीके से मिक्स करते रहना है कि जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ने लगे, जब तक हमें इसे कुक करना है। ये देखिए, हमने इसे स्लो आंच पे भूनते रहना है जब तक कि ये कढ़ाई से छूटने ना लगे। अभी भी इसमें थोड़ा सा गीलापन बाकी है तो हम इसे स्लो आंच पे 10 से 15 मिनट और भूनने देंगे। और मैंने इसमें एक आधा चम्मच घी और डाल दूंगी। आप देख सकते हैं भूनते भूनते हमारी जो ये बर्फ़ी है इसका कलर, ग्रीन कलर बिल्कुल हट गया है। इसके लिए हमें, क्योंकि लौकी की बर्फ़ी है तो थोड़ा सा ग्रीन कलर दिखना चाहिए, तो जैसे कि हलवाई हमेशा हम डालते हैं, बट आप चाहिए तो इसे स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हरा कलर ले लिया है और इसे मैं डाल दूँगी। और ये जो इलायची हमने कूट के रखी थी इसे भी डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा हमारे बर्फ़ी में। आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, हमारी बर्फी का मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया है बनके। ये बिल्कुल कढ़ाई छोड़ रहा है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको ये लास्ट प्रोसेस है। अब हम जब ये बर्फी हमारी कढ़ाई छोड़ने लगे तो आप इसे बंद कर दीजिए। यहाँ पे मैंने एक थाली ले लिया है और इसमें मैंने अच्छे से घी लगा लिया चारों तरफ से। अब इस थाली में हम हमारी बर्फ़ी का जो मिक्सचर है वो डाल देंगे। इसे अब आप इवनली फैला लीजिए। मैं यहाँ पे इस तरीके की कटोरी की मदद ले लूँगी। देखिए, हमने हमारी बर्फ़ी को सेट कर लिया है। आपको अगर पीसेस अगर मोटे चाहिए तो आप एक स्क्वायर बॉक्स भी ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा पतला चाहिए, शेप और साइजेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अभी मेरे पास बारीक कटा हुआ पिस्ता और दूसरे मेवे हैं जो मैं इस बर्फ़ी पे फैला लूँगी। इस तरीके से आप फैला लीजिए और इसे भी आप हल्का सा टैप कर लीजिए। और ये देखिए, हमारी बर्फ़ी बिल्कुल सेट हो गई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आप चाहिए तो इसमें कलर स्किप कर सकते हैं या बिल्कुल हल्का कलर डाल सकते हैं या ज़्यादा डाल सकते हैं, ये ऑप्शन आपके ऊपर है। अब हम इसे सेट होने देंगे। आप चाहिए तो इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आप फ्रिज में रख दीजिए आधा 1 घंटा, और फिर रूम टेम्परेचर पर ले आके इसे किचन टॉप पर रख दीजिए। हम इसका इस्तेमाल नेक्स्ट डे करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से सेट होगी। तो अब हम इसे कल चेक कर लेंगे। ये देखिए, हमारी लौकी की बर्फ़ी बिल्कुल सेट हो गई है। मैंने इसे 1 घंटा बनने के बाद फ्रिज में रख दिया था और उसके बाद पूरा दिन मैंने इसे किचन टॉप पे ऐसे ही रख दिया था ढक के। तो अब हम इसे काट लेंगे। आप चाहे तो 7-8 घंटे का वेट करके भी इसे काट सकते हैं। अब हम इसके पीसेस कर लेते हैं। अब हम इसका एक पीस निकाल के देख लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल बढ़िया सी सेट हुई है और बहुत ही टेस्टी बनती है ये। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अब जैसे कि त्यौहार है और लॉकडाउन में हमें मिठाइयाँ नहीं मिलती है, तो इसे आप घर पे कोई भी त्यौहार, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी या फिर कोई भी त्यौहार पे बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं।
और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने हमारी बर्फी को निकाल लिया है एक सर्विंग ट्रे में। ये त्यौहार में आप इसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसे रूम टेम्परेचर पे ही डब्बे में बंद करके लगभग एक हफ्ते के लिए रख सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।